इसकी हाइट से ही पता लग रहा है इसको बुलंद दरवाजा क्यों बोला जाता है। नहीं, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो गाना जहाँ सूट हुआ है। अभी एंटर कर चुके हैं जोधा भाई महल के अंदर, वो है 1 2 3 4 5 पांच बिल्डिंग वाला है, इसको बोलते हैं पंचमहल। हे व्हाट्सअप गाइस, फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट गेटवे देखने, मैं और मालती और संगम, मतलब मेरे ताऊ की लड़कियाँ। तो आज तीनों हम जा रहे हैं R15 से। और ये जो कमरा है ये मेरे दादी बाबा का है, ये मेरी दादी है, ये मेरे दादाजी थे। और यहाँ मनु सो रहा है, दिखाता हूँ उसके लिए। ताऊ जी कुछ बना रहे हैं, तो ये ताऊ जी क्या बना रहे हो? ये तो खुल गया, घोड़ा बना रहे हैं, घोड़ा घोड़े। तो ये देखो ताऊ जी, ये इस लकड़ी से बनाने में लगे हो, ये घोड़ा है, ये ऊँट है, ये ऊँट है ना ताऊ है। तो इस तरीके से ये मनु के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे यहाँ खड़ी है बाइक अपनी। तो आज हम इस बाइक पे तीन जने बैठने वाले हैं, मैं चलाऊँगा, संगम मालती, हम तीनों इस बाइक पे जाने वाले हैं आज। तो बस अभी वो तैयार हो जाएं दोनों, मैं तो तैयार हूँ ऑलरेडी, वो दोनों तैयार हो जाती है फिर चलते हैं यहाँ से। आपको दिखाऊँगा वो वर्ल्ड लार्जेस्ट गेटवे है, उसका नाम ही बुलंद दरवाज़ा। तो फतेहपुर सीकरी अपने गांव से थोड़ी सी दूर है, तो एक बार वहाँ भी हो जाते हैं। और बाकी यार ये देखो गांव का पीसफुल नज़ारे भाई, सिर्फ यहाँ पे चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। एक एक घंटे तक इस रोड पे कोई बाइक कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो ये अपना गाँव वगैरह घर है, अमेजिंग है, मेरे को बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। ये हमारा गोद है, गोद बोले तो एक ऐसी जगह जहाँ पे अपना सामान रखा जाता है, से उपले वगैरह हो गए, गाय का चारा वगैरह, तो वहाँ रखा जाता है। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, अभी निकल लिए। हमारे घर से मुश्किल होगा 8 से 7 किलोमीटर होगा फतेहपुर सीकरी, और जो बुलंद दरवाज़ा वो 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं। और मेरे को वायरल हो रखा है भाई, पानी चेंज होने की वजह से मेरे को जुकाम हो गया तगड़े वाला, 3 दिन हो गए हैं। तो यहीं से एंट्री एग्ज़िट होती थी फतेहपुर के अंदर, जो सीकरी थी राजधानी थी यहाँ पर अकबर की। तो जैसे हमने ये एंटर किया है तो ऐसे ही एंट्री होती थी हर किसी की। बाकी ये पूरा फतेहपुर सीकरी दीवारों से घिरा हुआ था, और इन दरवाज़ों के ही थ्रू अंदर बाहर जा सकते हैं भाई। अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि इन गेटों के आसपास से कोई दरवाज़ा रास्ता बनाया हो, नहीं, इन गेटों के अंदर से ही ये रोड बनाए गए हैं। ये नहीं मार्केट फतेहपुर की, और यहाँ से रास्ता है। अब मेरे को ये नहीं पता ऊपर बाइक ले जाने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आगरा की तरफ से आ रहे हो तो आपको यहाँ से चढ़ना उतरना पड़ता है। बाइक गाड़ी तो आ रही है, तो शायद ये ले जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो सामने देख रहे हो यार कितना बड़ा है वो, लुक एट दिस यार, ऐसे ही नहीं बोला जाता इसको, वर्ल्ड लार्जेस्ट गेटवे। अब यहाँ लगाएंगे यार पार्किंग, सबसे बड़ी दिक्कत है पार्किंग की, ये रही यहाँ पे लगी हुई है, पार्किंग मिल गई है। तो इन लोगों को पहले उतारता हूँ फिर पार्किंग लगाता हूँ। उतरो। तो पहुँच गए ये दोनों पीछे, हाय कर दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्यों बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट गेटवे। लुक एट दिस, देख रहे हो भाई नीचे खड़े हो कितना ऊपर है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट गेटवे। और दूसरी चीज़ बता दूं, इसमें कितनी 52 सीढ़ियाँ हैं, जो ये नीचे से आप ऊपर जाओगे इसके अंदर 52 सीढ़ियाँ हैं। इसकी हाइट शायद 196 के अबव है, तो ये अकबर ने बनवाया था। चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं, पहले स्टेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा भाई, यहाँ पे ना जो लोकल लोग हैं ना उनसे बच के रहें, वो आपको बहकाते हैं बहुत अजीब तरीके से, बहकाते हैं भाई ये वो, अंदर शूज़ का, पार्किंग का पैसा, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा भैया उनसे बच के रहें, आपका जो मन है वो करें, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी ना करना। अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, यतीम मूवी, परदेश मूवी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के लिए, उस सॉन्ग की भी शूटिंग यहाँ हुई है हल्की सी, और बड़े बड़े एक्टर्स भी आते हैं यहाँ पे। और ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको, अभी पहले ऊपर पहुँच जाएँ, दिखाता हूँ आपको यार यहाँ का नज़ारा। लुक एट दिस भाई, इतना तगड़ा अमेजिंग व्यू आता है यहाँ से, देख रहे हो पीछे पूरा, जितने भी दूर दूर के गाँव हैं सारे दिखते हैं यहाँ से। जो हम आए वो वाला मेन डोर है जो हमारे गांव के लिए जाता है, तो वहाँ से आया भाई, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है जगह को भी। और यहाँ देखो यार ऊपर, इसकी हाइट से ही पता लग रहा है इसको बुलंद दरवाज़ा क्यों बोला जाता है। तो अंदर चलते हैं, और शूज़ वगैरह यहाँ रख सकते हो, 5 रुपये जोड़ी लेते हैं, आगे पता नहीं रेट बढ़ सकते हैं। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं, ये रहा और दरवाज़ा देखो यार इसका। जैसे आप इस मेन डोर से अंदर एंटर करोगे ना इस दरवाजे से, तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पहले नहीं था, अभी ये धीरे धीरे मतलब डैमेज होता है, तो उस चक्कर में चलता रहता है। यहाँ पे जो ये वाला बीच वाला मकबरा है ये सलीम चिश्ती का है,
जो जोधाबाई थी उनके जो 14वें पुत्र हुआ था तब इसको बनवाया गया था राजा अकबर द्वारा उनकी मन्नत के बाद। तो यहाँ पे ये सीन देख रहे हो आप, जब आप गाना सुनोगे ना, ये दुनिया ये महफिल ये मेरे काम की नहीं, तो उसमें ये आया है बाकायदा हुआ है। और परदेश मूवी जो शूटिंग हुई है, जो शाहरुख खान को मारा जाता है, वो यहाँ से इस जगह से इसको मतलब इस जगह मारा जाता है। तो मैं बहुत बार यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ, तो आज सिर्फ इसलिए आया था कि वीडियो बन जाए, और मेरे गले की और जुकाम की वजह से मैं ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। ये मेन डोर था जो पीछे आप देख रहे हो, ये वैसे जनता के लिए खोला जाता था, और ये राजा अकबर के लिए इस साइड वाला। तो राजा जो अकबर का महल था वो भी इसी साइड है, उसमें टिकट लगती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्योंकि मस्जिद का पार्ट है, वहाँ टिकट लगती है। वहाँ अभी जाके देखेंगे टिकट, पहले जब मैं आया था तो शायद 50 रुपये थी, शायद अब बढ़ गई हो, तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ आके मुँह हाथ धोने पड़ते हैं, फिर अंदर चलते हैं। ये जो यहाँ से आप देख रहे हो ना, वो मेन डोर से सीधा अंदर आओगे तो ये है मेन सलीम चिश्ती की दरगाह मज़ार। यहाँ पे आके आप उनके दर्शन कर सकते हो, आप मन्नत मान सकते हो। और ये जो पूरा है ना, ये वाइट संगमरमर का बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी रेड स्टोन का यूज़ नहीं किया। ये जो भाषाएं लिखी हैं उर्दू और फारसी के अंदर है, बाकी ये इस तरीके से कलाकृतियाँ पूरे उस पर बनाई गई हैं। और ये आप देख रहे हो ना, ये वाला ये पूरा एक सिंगल जाली है, मतलब कि होता है ना कि कट मार के फिर डिज़ाइन जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत अमेजिंग से बना रखा है स्क्वायर, ये पूरा सिंगल पीस के अंदर ही बना हुआ है। और बाकी अंदर दर्शन करने के बाद, मतलब आप मज़ार पे माथा टेकने के बाद ऐसे जा सकते हो। तो ये पूरा इस तरीके से गोल है, पूरा वाइट संगमरमर का बना हुआ है। और ये जो है पॉइंट, यहाँ पे आप धागा बांध सकते हो अंदर से, आप मन्नत मांगो धागा बांधो, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आके इसको खोल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे मिनट, बहुत ही पीसफुल है, अमेजिंग सी जगह है। अगर आगरा से आप आ रहे हो 36 किलोमीटर, तो कोई माड़ा नहीं है। जो इस दरगाह का जो बना था वो 1571 ED में बना था, जब गुजरात में अकबर ने फतेह करी थी उसके बाद इसको बनाया गया था। एक मेमोरी है मतलब इस फतेह की, तो इसलिए इसको बनाया था। तो चले, हम मोस्टली जब भी यहाँ आते हैं ना, मतलब दिल्ली से जब गांव आएंगे तो मोस्टली यहाँ आते ही आते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, थोड़ा टाइम को स्पेंड करने के लिए सही जगह है। गाँव में जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो यहीं भाग के आ जाते हैं। नीचे रस वो मिलती है, रबड़ी मिलती है, समोसे मिलते हैं, कचौड़ी मिलती है, मार्केट है, तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ है ना पूरा। और वो वाला देखो यार, वो बाहर से पूरा स्टेट बना रखा है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा अजीब तरीके से बना हुआ है वो। और यहाँ से देखो यार, आपको दिखाता हूँ एक अमेजिंग चीज़, ये जो बड़े वाले दरवाजे दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन मेरे को देखने में ऐसा फील हो रहा है कि छोटा बड़ा है, लेकिन वो सारे एक ही हाइट के हैं। आप देखोगे यहाँ से ये वाला लग रहा है कि भैया बड़ा है, फिर उससे छोटा 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 करके ऐसे छोटे बड़े लग रहे हैं, बट वो सारे एक ही साइज़ के दरवाजे बने हुए हैं। भाई अमेजिंग बना रखा है इसको यार, एक तरीके से मज़ा आता है ऐसी चीज़ देखने में, फील होता है कि भाई जो हमारे टाइम के इंजीनियर है वो नहीं कर पा रहे, पुराने टाइम के कर लेते हैं यार। अमेजिंग बना रखा है, देख रहे हो हर स्टोन पे, मतलब हर पिलर पे एक सही तरीके की डिज़ाइन बना रखी है। इस तरीके की किताब ले सकते हो अगर आप आ रहे हो, कितने की, 10 रुपये की, तो 10 रुपये की किताबें मिलती हैं यहाँ पे, मेन मेन चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये भी दिखाऊंगा अभी आपको, अगर मैं टिकट वाले उसमें गया तो। ये देखिए रॉयल गेट, रॉयल गेट वाला देखो सामने, देखोगे यहाँ पे ये रॉयल गेट है, यहाँ से राजा एंट्रेंस करते थे। ये जामा मस्जिद है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ हम अभी खड़े हैं, जामा मस्जिद का पार्ट है। यहाँ हर फ्राइडे बड़े लेवल पर नमाज करी जाती है, ये भी अच्छा है। एलिफेंट गेट ये पीछे की साइड होगा ना, एलिफेंट गेट पीछे है। बाकी मरी महल ये टिकट वाले एरिया में मिलेगा आपको, टर्म ऑफ इस्लाम खान ये भी टिकट वाले एरिया में, ये चारों पांचों ये आप ये देख रहे हो भाई, ये भी टिकट वाले एरिया में मिलेगा। नाम है आपका? फारूक है? फारूक। ये फारूक भाई बेच रहे हैं यहाँ पे। ये अंदर का है, ये आप देख रहे हो, ये अंदर का है सलीम चिश्ती का जो टॉम है, जो मज़ार है, और ये जो मेन है। थैंक यू यार। वो ये थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी बार इस दरगाह को देखा हुआ है ना, इस मस्जिद में आए हुए हैं ना, तो ये लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब हम जा रहे हैं इस साइड ये, और मैं बताऊँगा यहाँ पे ना बहुत सारी ना कब्रें बनी हुई हैं, काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेंगे ये इस तरीके से। ये सलीम चिश्ती के जो फैमिली मेम्बर थे उनकी कब्रें बनी हुई है यहाँ पे, टोटली जितनी भी बनी हुई हैं दर पीढ़ी बनाए हुए हैं। तो अभी वापस चप्पल लेने जा रहे हैं, जूते शूज़ पहनेंगे, बाकी यहाँ यही है। और मेरे को सबसे अमेजिंग पॉइंट पता है यहाँ क्या लगता है, एक मूवी थी जो क्या नाम था, हीर रांझा करके मूवी थी, जिसमें राज कपूर थे, उस मूवी का एक छोटा सा सीन यहाँ पे शूट हुआ है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो गाना जहाँ शूट हुआ है। अभी चप्पल लेंगे और फिर जहाँ पे टिकट लगती है उस वाले एरिया की तरफ चलते हैं। हमने ना शूज़ हाथ में ले लिए हैं, रीज़न है इसका
क्योंकि हम उससे ऐसे नीचे उतर के फिर ऐसे पूरा गोल घूम के आते तो काफ़ी टाइम लग जाता, जबकि हम यहाँ पे सिर्फ शूज हाथ में लेके नंगे पैर चल के सीधा उस वाले डोर से जहाँ से राजा अकबर आता था उस डोर से बाहर हो जाएंगे उनके पैलेस के लिए। और ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे शाहरुख खान को पीटा गया था परदेस मूवी में, तो इसी कॉरिडोर में उसकी पिटाई होती है जब वो गाना आता है नहीं होना था हो गया प्यार। जूते तीनों हाथ में लाए थे, ये पहन लिए, कह रहे हम कबाड़ी लग रहे हैं, चप्पल डोरी है अभी इसका, तो ये इसने पहन भी लिए, अभी हम भी पहन लेते हैं। तो अभी जूते पहन लिए, वहाँ आपको जूते सबमिट कराने पड़ते हैं रीज़न, क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा है तो मस्जिद में शूज़ वगैरह पहन के नहीं जा सकते, जबकि उस जो किला है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप शूज़ पहन के जाओ कुछ भी पहन के जाओ वहाँ घूम सकते हो। कितने की टिकट है? 50 रुपये की, थैंक गॉड। तो भैया टिकट मिल गई, 50 रुपीज़ की टिकट है। आज से कम से कम 5-7 साल पहले आया था, तभी 50 की थी, अभी भी 50 की है, तो डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, बढ़िया है। हाँ, और ये यार चेंज नहीं था, इन्होंने मना कर दिया साहब कि भैया टिकट नहीं मिलेगी, कह रहे ऑनलाइन कर लो, बड़े अजीब लोग हैं, चेंज तो रखना चाहिए ना यार। ये रहा एंट्रेंस गेट, ये रही टिकट, मैं भी यहीं पे टिकट चेक होगी, तो ये बैठा गार्ड, सिक्योरिटी है यहाँ पे, चेक होगी टिकट क्या देना है। अभी एंटर कर चुके हैं जोधाबाई महल के अंदर, वो एंट्रेंस गेट है, स्टार्टिंग में सबसे पहले वही मिलेगा आपको, और जो यहाँ के लोकल टूरिस्ट गाइड के अकॉर्डिंग ये उनका समर पहले मतलब समर रूम है जोधाबाई का, और ये विंटर रूम है, मतलब कि वो वेदर के हिसाब से मतलब मानसून के हिसाब से अपना रूम चेंज करते थे। उसमें खिड़कियाँ हैं अगर देखा जाए तो वो सही है एक तरीके से, वो खिड़कियाँ वहाँ पर गर्मियों में रुकते थे और यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है तो ये सर्दियों के लिए हो सकता है। बाकी ये जो है ये टेम्पल है जोधाबाई का, यहाँ पर वो वर्शिप करती थी, पूजा वगैरह जो करते थे वो यहाँ पे किया जाता था, तो इसका भी एक लॉजिक है रीज़न, एक बैठने के लिए अच्छी जगह बना रखी है, वहाँ पे छोटा सा मतलब मूर्ति रख सकते हैं भगवान की और छोटे छोटे वो बना रखे हैं, तो कह सकते हैं टेंपल है जोधाबाई का। और बाकी आप देखोगे यहाँ पे जो हिंदू कलाकृति मिलती है, ये देखिए पूरा घंटी का टेम्पल तरीके से बना रखा है, ये देखिए पूरे में, तो कह सकते हैं कि ये टेंपल है। चीज़ और बताऊंगा भाई, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ गया देख के। जोधाबाई का महल है, ये टेंपल है उनका, खूबसूरत है, अच्छी अच्छी मतलब कि कलाकृतियाँ बना रखी। मैं कुछ एक लोग ऐसे मिलते हैं, देखिए ये मंदिर है, पूरा किला है, कितना सही है, मेरी वॉइस ही को हो रही होगी, भाई भाई रवि ये क्या चीज़ है, अगर भाई अगर वीडियो वायरल होती है, अगर वो देखता है कभी इन फ्यूचर, तो भाई ये देखिए मतलब क्या है भाई, आपको आप अमर हो गए हो यहाँ पे नाम लिखने के, मैं एक फिजा अनिल अहमद, आप अमर हो गए हो भैया यहाँ पे, आप स्केच पेन से नाम लिख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है यार, है तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग भी मिलते हैं जो अपना मतलब कि हेरिटेज प्लेसों पे अपना नाम लिख देते हैं, भाई बहुत गलत है, नहीं लिखना चाहिए, आप उनको मतलब सवार नहीं सकते तो नुकसान मत करिए उस चीज़ का। तो मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी जगह पे नाम वगैरह लिखे हुए हैं, तो अभी हम टेम्पल से बाहर हो रहे हैं और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, जो एंट्री करते हैं सबसे पहले गेट जो पड़ेगा जहाँ पे जो देखने लायक प्लेस है वो जोधाबाई का महल है, तो वहाँ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बना रखे हैं, ये उनके रहने के कमरे थे, पीछे मंदिर भी था, तो राजा जो अकबर थे वो मतलब धर्मों का ख्याल रखते थे, इससे ये है कि उनकी जो रानी थी वो वर्शिप वगैरह कर सकती थी एक मुस्लिम धर्म में रह के भी, तो दिस इज़ अमेजिंग। अब जा रहे हैं बाहर और चीज़ें देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है मरियम की कोठी, सुनहरा मकान, और इसको जो अकबर की एक और रानी थी मरियम उनके लिए बनाया गया था इसको, मतलब कि राजाओं ने जो उनकी तीन फेमस रानियां थी मरियम, सुल्ताना बेगम और जोधाबाई, सभी के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, इसको सुनहरा मकान क्यों बोला जाता है बैंड द रीज़न। ये देखिए आप यहाँ देख रहे हो, इसमें मतलब कि मोस्टली आपको चित्रकारी ऐसी मिलने वाली है, ये पूरा ही मतलब कि अभी तो यहाँ पे पूरा फेड हो चुका है, उधर दिखाता हूँ आपको। अब इसका सुनहरा मकान क्यों बोला जाता है, लुक एट दिस, ये देख रहे हो आप, यहाँ मतलब कि इस पूरे महल में सबसे ज़्यादा चित्रकारी आपको यहाँ मिलने वाली है, ये ब्लर हो गई है अभी, ये देखिए इन पे पेंटिंग थी, ये अभी तक फेड नहीं हुए हैं तो ये बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरी छत इसी तरीके से, तो इसलिए इसको सुनहरा मकान भी बोला जाता है। वैसे रानी मरियम का महल है, चार कमरे बने हुए इसके अंदर, देखोगे ऊपर भी है, तो ब्लू कलर काफ़ी सारे कलरों का यूज़ किया गया है इसमें, अमेजिंग है। यहाँ देखो आप हाथी, ये दिख रहा होगा ये आधा फेड हो चुका है आधा बना हुआ है, हाथी बने हुए हैं,
अंदर श्री राम हनुमान जी भगवान के भी जो हिंदू गॉड हैं उनकी भी इसमें वो बनी हुई है। जो रानी मरियम थी वो ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करती थी, तो उसके लिए उनको बनाया गया था। और यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग ऐसी है जिन पे कोई साइन बोर्ड नहीं दिया गया वो क्या चीज़ है, इसलिए बनाई गई थी। तो अगर आप कभी इन फ्यूचर आने का प्लान कर रहे हो तो भैया गाइड लेके ज़रूर आना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आधी चीज़ें नहीं पता होगी। हम लोग आते रहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा चल जाता है। और ये चीज़ जो अभी देखने को ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब बाथ टब है, यहाँ पे नहाने वगैरह की व्यवस्था की गई है। देख रहे हो ये नीचे पानी भर के नीचे आराम से उतर के नहाने धोने की, ये वाटर यहाँ से पानी आता है, पानी जाएगा इसके अंदर भर जाएगा, एक तरीके से स्विमिंग पूल कर लीजिए। और बताया जाता है कि ये भी जोधा भाई का था, यहाँ जोधा भाई आके नहाती थी। लोकेट काफ़ी बड़ा सा बना रखा है और कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये स्विमिंग पूल कह सकते हो इसको। अब चल रहे आगे, ये अस्तबल है साथ में, यहाँ पे एक देखोगे बिल्डिंग, इसको बोला जाता है राजा बीरबल महल। ये सिर्फ उनके नाम पे रखा गया, बाकी इस बिल्डिंग में राजा बीरबल नहीं रहते थे, मंत्री उनके नहीं रहते थे, यहाँ रहती थी उनकी दो रानियाँ, एक रुकैया और एक सलीमा बेगम। तो ये दो यहाँ पे रानियाँ रहती थी। दिखाता हूँ आपको, ये पहले पूरा जाली से कवर था बट अभी ऐसा इसको हटा दिया गया है। तो इसके दो गेट हैं, एक ये वाला गेट जो आप देख रहे हो, ये वाला गेट है, इसके बैक साइड में भी गेट है। तो काफ़ी सही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो हाय हाय पूरे में इतनी सही तरीके से निकासी की गई है बहुत ज्यादा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है भाई ऐसी जगह पे आके, क्योंकि मैं बैठ के सोचता हूँ यार उस टाइम में कैसे की गई होंगी ये चीजें। सोचने वाली बात है यार ना, उस तरीके जो आज के टाइम पे डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से लोगों ने मशीनें की आविष्कार की है बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, ये हाथों से बनाई गई हैं। लोग यार ये हाथों से बनाई गई हैं यार, एक पत्थर है, ऐसा नहीं है कि चिपकाई गई हैं। देखिए कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा चिपकाया गया अलग से बना के, एक पत्थर को बड़ी सी सिल्ली को लिया गया है, उस पर छोटे छोटे पीढ़ों में ना कारीगरी की गई है छोटे छोटे उसमें। तो हाथों से बनाना उस टाइम यार, मतलब आज से 400 साल पहले, लुक इट, एक एक चीज़ को मतलब कि बनाया गया है सही तरीके से। यहाँ से एंट्रेंस होती थी घोड़ों की, राजाओं की, वहाँ पे जाते थे, उसको कारागार बोला जाता है, सज़ा मिलती थी वहाँ पे लोगों को, इन जैसे लोगों को। ये देखो ये पाप करते थे और राजा वहाँ इनको सजा देता था। ये पार्ट था आपका जोधा भाई से रिलेटेड, अस्तबल और रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के। अब उस साइड जाएंगे, उस साइड आपको मिलेगा पंचमहल, जहाँ पे राजा शतरंज खेला जा करते थे अकबर, वो भी अमेजिंग होने वाला है। सो लेट्स गो। इस पुराने स्ट्रक्चर के साथ आपको एक नए तरीके का गार्डन भी देखने को मिलता है यहाँ पे, भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, फूल पत्ती तोड़ना मना है यहाँ पे, मना है, मना है, ठीक है भाई। ये दो आप रेड स्टोन वाले किले देख देख के बोर हो गए हो, एक आध घंटा यहाँ बैठ सकते हो। अब आपको दिखाता हूँ सबसे बढ़िया चीज़, ये फाइव, 1 2 3 4 5 पांच बिल्डिंग वाला है, इसको बोलते हैं पंचमहल। यहाँ पे जो टोटल जो पिलर्स हैं ना जिसपे ये पूरा पंचमहल खड़ा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी दीवार नहीं है जिसपे ये खड़ा हुआ है, सिर्फ पिलरों पर खड़ा हुआ है। तो इसके अंदर टोटल 176 पिलर हैं, 176 ये हैं यहाँ पे पिलर हैं, और जो नीचे फ्लोर पे 84 हैं, सेकेंड फ्लोर पे 56, फिर 20, फिर 12, फिर 4, इस तरीके से पूरा टोटल पिलरों पे ही खड़ा हुआ है। और हर पिलर पे नकाशी की गई है फूलों की, लुक एट दिस। तो ये सिर्फ जो बनाया गया था वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाया गया था। जो राजा अकबर थे वो दिन में या फिर सुबह मॉर्निंग में जब आते थे तो ताज़ी हवा में खाने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठते थे, देन उसके साथ नाइट में वो रात को चांदनी वगैरह चेक करने के लिए बैठते थे भाई, व्यू देखने के लिए। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सही दिखाई देगा, लुक एट दिस। ये टोटल पिलरों पे बना हुआ है, यहाँ पे 84 है, इस पे 56 है, फिर 20 है, फिर 12 है, देन उसके बाद 4 है, जो सबसे टॉप फ्लोर पे राजा अकबर बैठते थे। ये है इस तरीके से, इसको पंचमहल के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बड़ा भाई है। अगर आप घूमोगे एक दिन में तो कवर होगा, ऐसा नहीं है 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा,
और अभी और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये है ना, जो अकबर ने ना ऐसे 9 वाटर रिसोर्सेज बनाए थे, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा पानी की दिक्कत थी स्टार्टिंग से, अभी भी है क्योंकि मैं यहीं से हूँ, मुझे पता है। तो यही इकलौता ऐसा किला है जिसमें काफ़ी सारे ना वाटर स्टोरेज टैंक मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत सारी दिक्कत होती थी। आसपास के जितने भी लोग थे या फिर जो किले के अंदर पानी की ज़रूरत चाहिए वो यहाँ से कवर कर दिया किया करते थे बारिश का पानी स्टोरेज करके, या फिर ये भरतपुर के पास से एक नदी जा रही है वहाँ से वाटर आता था, इनमें डाला जाता था, फिर ये काफ़ी टाइम तक रखा जाता था और उसका यूज़ किया जाता था। तो ऐसे 9 पॉइंट बनाए गए, मैंने यहाँ भी देखा, अंदर भी है और जो मस्जिद है उसके पास भी है। तो अभी जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये आपको कैसी लग रही है? ये 2 मंजिल है, फर्स्ट है सेकंड, बट ऐसा नहीं है, अंदर से दिखाता हूँ क्या है इसका। आप पे अब देखो, अब बाहर से ये लग रही थी 2 मंजिल की, लेकिन अभी यहाँ पे ये सिंगल बिल्डिंग है और यहाँ पे उस चारों रत्न बैठते थे उनके, अकबर के बीच में सेंटर में वो बैठते थे। तो वैसे इसका स्पेसिफिक कोई प्रमाण नहीं है कि बनाया किस लिए गया था, बट ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे राजा अकबर आके उनसे सलाह मशवरा करते थे। ये स्पेशल पैलेस बनाया गया। बाहर से देखोगे आप ये डबल बिल्डिंग लगती है, लेकिन है सिंगल ही। यहाँ से जो आप छोटा सा गेट देख रहे हो ऊपर जाने का रास्ता है, तो अभी चलते हैं उस साइड। ये प्रॉपर एक देखा जाए ना तो इस्लामिक आर्किटेक्चर है सही तरीके का, इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब कि अगर इसको सही स्टोन वगैरह से अगर आज भी क्लियर करा जाए ना तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा देखने में ये। बट अभी रिसेंट में इसकी मतलब कि इतनी देखरेख होने लग गई है, पहले इतनी देखरेख इसकी नहीं होती थी। जो अंदर जो टॉप खड़ा हुआ है जो स्तंभ, वो पहले ऐसी था, कवर्ड नहीं था, अभी सही है। मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ कि लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे। जैसे यहाँ शाम हो रही है ना, क्राउड बढ़ता जा रहा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे शाही जो खेल होता था वो किए जाते थे बाय रियल मैन। यहाँ पे जैसे हम लूडो वगैरह खेलते तो गोटियों का इस्तेमाल करते, बट नहीं, यहाँ पे जब भी कोई मतलब कि दूसरे राजा या स्टेट के लोग आते थे अकबर से गेट टुगेदर करने, तब यहाँ पे ये खेल खेला जाता था। तो यहाँ पे जो चौसर खेली जाती थी ना वो रियल मैन द्वारा, मतलब यहाँ पे गोटियों की जगह असली आदमियों को खड़ा किया जाता था और वहाँ बैठ के वो लोग खेलते थे। पूरा चौसर है यहाँ पे, देखो कि आप, ये पूरा चौसर है, इसको चौसर बोलते हैं। तो शाम होते होते यहाँ क्राउड बढ़ता जा रहा है, पहले हल्का रहता है क्योंकि लोग क्या करते हैं ताजमहल घूम के ना सीधा यहाँ पे आते हैं, तो शाम तक पहुँच पाते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ क्राउड बढ़ जाता है। ये परेशान, इसकी चप्पल टूट गई है और वो हाथ में लेके घूम रही है। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे है, ये है जो राजा अकबर की तुर्की सुल्ताना थी उनका बनाया गया उनके लिए पैलेस छोटा सा। अब मैं बताता हूँ, वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कमरा दिया गया है, बाकी ये बरामदा दिया गया है गर्मी के हिसाब से। तो आप देखोगे इस पे जो डिज़ाइन दी गई है ना वो चटाई के आकार में, जैसे आपने चटाई भी देखी होगी या फिर कोई लक्कड़ का, आपको फील होगा कि जैसे ये लक्कड़ की है। लुक एट दिस, बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। ये भी अभी बंद कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये है जो तुर्की सुल्ताना का जो हाउस था, पैलेस था, वो ये वाला था, इनको भी बंद कर दिया गया है, पहले ये चालू थे। तो मुझे एक चीज़ की खुशी है कि भाई अभी इस चीज़ों पे ना ध्यान दिया जा रहा है। पहले जब हम आते थे ना तो ऐसे ही पड़ा हुआ था ये, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं था, बट अभी इसको सही कर दिया गया है और यहाँ पे पूरे पे डिज़ाइन मिलेंगी। तो यहाँ पे पीछे है तुर्की सुल्ताना का पैलेस, आफ्टर दैट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पीछे अनूप तालाब, इसको अनूप तालाब, वैसे ये मोस्टली यूज़ किया जाता था आपके शाही जो फंक्शंस होते थे उनके लिए, और बताया जाता कि भैया यहाँ पे ना बैठ के तानसेन प्रैक्टिस भी किया करते थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। बाकी यहाँ पे वाटर स्टोरेज किया जाता था, ये देखिए, और अभी भी स्टिल यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं इस पानी को। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी की किल्लत रही है हमेशा से, तो यहाँ पे मतलब कि बैठ के शाम को राजा अकबर अपना इंजॉय करते थे, या फिर आपके शाही फंक्शन जो भी फंक्शन हुआ करते थे ना अकबर के टाइम पे, वो यहाँ से इंजॉय किया करते थे। अब इसके बाद जाएंगे दूसरी तरफ उधर, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक मटका बनाया गया जिसमें पानी स्टोरेज किया गया था पीने के लिए। आफ्टर दैट वहाँ पे राजा अकबर आराम करते थे, और एक ये वाली बिल्डिंग। तो ये 2-3 चीज़ रह गई हैं, उसके बाद हम बाहर आउट करेंगे। होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। एंड लुक एट दिस, इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है, कई लोग बोलते हैं ये मटका है पानी का। मैं पहले आया था ये पूरा कवर था ऐसे करके ऊपर, मतलब जैसे नीचे सेम ऊपर भी था। तो काफ़ी वो लोग बोलते कि भैया ये मटका है, कई बोलते कि भैया अकबर यहाँ पे खाना बनाने के लिए इसको यूज़ करता था, पता नहीं क्या क्या, बट डोंट नो क्या है यहाँ पे। यहाँ से भी ब्यूटी देखो भाई, पूरा पैलेस रेड रेड दिख रहा है, देख रहे हो यार, लुक एट दिस।
अब उधर से आने के बाद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग पूरे इसमें रीजन, इसको बोलते हैं दीवाने खास। इसमें जितनी भी शाही फैमिली थी वही रहा करती थी, उसके अलावा ज़्यादा लोगों का एंट्रेंस नहीं था इसके अंदर। तो नीचे दो फ्लोर बनाए गए हैं, बाकी ऊपर खुला हुआ बरामदा बनाया गया है। और ऐसा बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ ना खिड़की भी है इसमें बैक साइड में, जहाँ से राजा अकबर रोज़ सुबह उठते ही मतलब कि अपनी प्रजा के दर्शन करते थे। तो ये भी एक तरीके से पूरा पिल्लरों पर बनाया गया है। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का जो मेन है, ये लोकल अभी बनाए रीसेंट में, बाकी मेन वो था। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लिखे, ये दीवान, इसमें कहा जाता है कि भैया खाने का, खाने वाला भी कमरा था, बैठने का भी कमरा था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। और यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ एक पलंग भी है जहाँ पे राजा अकबर आराम करते थे। दिस इज़ द बेड ऑफ अकबर, वाली खिड़की थी जहाँ से प्रजा के लिए वो आराम से व्यू करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूरिज़्म है, अमेजिंग प्लेस है, आप आ सकते हो भाई। अगर एक दिन का आप आगरा ट्रिप कर रहे हो तो ये ज़रूर कवर करना। तो फाइनली ऑल कवर कर लिया है, मेरे को लगा था 2-3 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे, घर पे भी यही बोल के आए थे ताऊ जी को, बट अब लेट हो गए, अब हम निकल रहे हैं। और इन दोनों की हालत देखो, वो चप्पलें छुपा रही है, उसकी भी हालत ख़राब हो गई है भाई, थके हुए हैं मतलब थक गए काफ़ी। अब नीचे जा रहे हैं, बाइक उठाएंगे, कुछ खाएंगे और लास्ट सनसेट यहाँ से देखोगे कितना अमेजिंग लग रहा है। हो रहा है एग्जिट पॉइंट, निकलते हैं और चलते हैं घर। बाकी अगर मार्केट में कुछ खाएंगे, यहाँ पे सबसे अच्छी मिलती है कचौड़ी, समोसे और रबड़ी। रबड़ी खानी। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।